आज हम बात कर रहे हैं मिस मार्वल के एपिसोड नंबर 3 में, और मैं सच बताऊं तो ये सबसे अच्छा एपिसोड लगा मेरे को मिस मार्वल सीरीज का। इसके अंदर क्या कुछ नहीं था, इसके अंदर देसी तड़का था और बहुत सारे सॉन्ग और ईस्टर एग्स भी। तो आज मैं करने जा रहा हूँ मिस मार्वल के थर्ड एपिसोड का ब्रेक डाउन। तो एपिसोड का स्टार्ट होता है 1942 से। वहाँ पे हम एक टेम्पल देखते हैं जहाँ पे आयशा की थोड़ी सी हमको ओरिजिन दिखाई जाती है, और जो वो कड़ा पहनती है उसका भी हमको एक सीन दिखाया जाता है। और वहाँ पे ये भी मेंशन किया जा रहा था कि उधर दो बैंडल्स हो और उधर सिर्फ एक ही था, और उसको मेंशन भी किया गया था कि ब्रिटिश ने उसको बहुत बार लूटा है तो इसकी वजह से एक ही उनको बैंगल मिला है। आगे हमको दिखाया जाता है नजमा को, और वो पास्ट की बातें कमाला को बता रही होती है उसके पूरे ग्रुप के साथ, और उन्होंने ये भी बताया कि वो सब एक जिन है और उनको न्यू डायमेंशन से निकाल दिया गया था, और उनको न्यू डायमेंशन में वापस जाने के लिए उसी बैंगल की जरूरत पड़ेगी जो कमाला ने पहन रखा है। सब होने के बाद कमाला ब्रूनो के पास जाती है और उससे पूछती है कि एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन में जाने का क्या तरीका है, और यहाँ पे वो एरिक सेल्विक को मेंशन भी करता है। ये मत बोलना कि एरिक सेल्विक कौन है यार, हमको वो थॉर द डार्क वर्ल्ड थॉर बहुत सारी मूवीज में पहले दिख चुका है। आगे और स्टोरी बढ़ती है कि डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल मॉस में घुस के और भी बहुत सारी चीज़ों का पता लगाने की कोशिश कर रही है, पर उधर से नाक्या उनको भगा देती है। सीन आता है कमाला के भाई की वेडिंग का, जहाँ पे ब्रूनो ने उसको गिफ्ट दिया होता है उसके सूट के मास्क का। ब्रूनो जिन के ऊपर रिसर्च करने की कोशिश कर रहा है, पर उधर ही कमाला के पापा आ जाते हैं और उसको उसके बारे में और थोड़ी इन्फॉर्मेशन देके चले जाते हैं। आगे कमाला कमरान को मैसेज करती है कि कमाला को और ज्यादा टाइम चाहिए, और कमरान उसके लिए राजी भी हो जाता है। यहाँ पे हमको वेडिंग का सीन दिखाया जाता है, और यार ये सीन मेरे को सबसे ज्यादा पसंद आया था पूरे के पूरे एपिसोड में। और फिर वेडिंग में कमरान आके कमाला को बताता है कि उसकी माँ पागल होके को मारने आ रही है। यहाँ पे हमको कमाला की थोड़ी और पावर्स भी दिखाई जाती है। यहाँ पे हमको उसका फुल कंट्रोल तो नहीं दिखाया गया, पर उसने अपनी थोड़ी नई पावर्स को अनलॉक करते हुए देखा है, जैसे कि शेप शिफ्टिंग की पावर्स। यहाँ पे कमरान भी उसकी मदद कर रहा था, और ब्रूनो उधर घायल भी हो जाता है। फिर नजमा और कमाला को साथ में एक ट्रेन आते हुए दिखती है, जो कि उसके बारे में मैं भी क्लियर नहीं हूँ। मुझे लगता है उसके बारे में फोर्थ एपिसोड में बताया जाएगा, और मैं तो फोर्थ एपिसोड का वेट कर ही रहा हूँ। तो यार मिलता है आपको एक अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब जरूर कर देना, लाइक जरूर कर देना। मिलता है आपको अगली वीडियो में। बाय।